नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज हम इतिहास के जिस विषय का ऑनलाइन अध्ययन करने वाले हैं वह बीए द्वितीय वर्ष का विषय है। यह आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय न सिर्फ इतिहास में अपितु एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर्स में ये देखा गया है कि इसमें से अक्सर एक बड़ा व छोटा सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं या जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गए। एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने दरबारी षड्यंत्रों का हिस्सा बनकर मुगल साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया। अब मुगल सेना या मुगल तोपखाना या मुगल केंद्रीय नियंत्रण की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब मुगलों का नियंत्रण धीरे धीरे क्षेत्रीय क्षत्रपों को कम होता जाता रहा। ऐसे में कहीं क्षेत्रीय क्षत्रपों का उदय हुआ जिसमें अवध, हैदराबाद व बंगाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1713 में कुली मुर्शिद अली खान ने की, जो कि बंगाल में मुगलों द्वारा भेजा गया एक गवर्नर था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागी नदी के तट पर था, स्थानांतरित की। इसमें उसने इजेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावीरण इसका देना प्रारंभ किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। यहाँ इजेदारी प्रथा का अर्थ समझ लेना जरूरी हो गया, क्योंकि जैसे जैसे केंद्रीय नेतृत्व या कहें कि ढाका में मुर्शिदाबाद में कुली मुर्शिद खान का नेतृत्व कमज़ोर होता जा रहा था, वैसे वैसे स्थानीय सामंतों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही राज्य की आवश्यकताओं में वृद्धि के चलते एक मुश्त राजस्व की आवश्यकता थी। इस एक मुश्त राजस्व की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार के सामूहिक धन से हो सकती थी। इसलिए इन्होंने किसी ठेकेदारों को राजस्व के एक निश्चित क्षेत्र का एक निश्चित बोली लगाने पर ठेका दिया जाने लगा, जिसे इजेदारी सिस्टम या इजेदारी व्यवस्था कहा गया। इसमें यद्यपि राज्य को तो एकमुश्त रकम मिल जाती थी, लेकिन इजारेदारों को कृषकों से मनमानी वसूली के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, जिसके चलते काफ़ी मात्रा में किसानों के शोषण में वृद्धि हुई। 1740 के गिरिया युद्ध के सरपराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दीन हुआ। 20 जून 1756 को कालकोटी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना को रचयिता जेल हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौल ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यहाँ बता देना जरूरी है कि जब कुली मुर्शिद खान उसका माने सिराजुद्दीन जब नवाब बना तो उसने अंग्रेजों को नियंत्रण करना 1698 में ही अंग्रेजों ने कालीकट, सुतानाटी व गोविंदपुर को एक करके कलकत्ता में अपनी व्यापारिक बस्ती की स्थापना की थी। अंग्रेज अब नवाबों के हुक्म को नहीं मानते थे, वे इसकी किलेबंदी करते थे। सिराजुद्दीन एक संप्रभु शासक था, वह इस प्रकार की किसी भी किलेबंदी को इजाज़त नहीं दे सकता था। उसने अंग्रेजों को किलेबंदी तोड़ने का आदेश दिया, पर अंग्रेजों ने जब इस बात को नहीं माना तो उसने आक्रमण कर दिया व उन्हें बंदी बना लिया। अंत में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजी के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बताया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफर एक ऐसी थैली, सोने की थैली है, जिसमें कभी भी हाथ डाल के कितना भी उपहार निकालो। अंग्रेजों की उपहार की मांगे निरंतर बढ़ने लगी, जिसका अंततः वहाँ की जनता के शोषण पर प्रभाव पड़ा।
जनता के शोषण में वृद्धि हुई और अंततः मीर जाफर को गद्दी छोड़नी पड़ी। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना ही नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जिसे मुगदलपुर भी कहा जाता है, स्थानांतरित कर दिया। वह अपने आप को अंग्रेजों के प्रभाव से स्वतंत्र करना चाहता था। उसने देख लिया था कि अगर अंग्रेजों से स्वतंत्र होना है या बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन चलाना है तो न सिर्फ उसे अपनी राजधानी परिवर्तित करनी पड़ेगी बल्कि अपनी सेना को मजबूत भी बनाना पड़ेगा। वह डचों का सहयोग ले रहा था जिसे अंग्रेजों ने सहन करना असंभव था। उसने तत्कालीन अवध के नवाब सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली का शासक था, से गठबंधन किया। इस गठबंधन व अंग्रेजों के बीच में 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दीन एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह ध्यातव्य है कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की तुलना में परिणाम या उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्लासी में यह सिद्ध किया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, वहीं बक्सर ने यह सिद्ध किया कि भारत पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज शासन करेंगे। इसके बाद बंगाल में द्वेष शासन लागू कर्नल क्लाइव वॉयसराय गवर्नर जनरल बन के आए, जिन्होंने द्वेष शासन किया, जिसमें कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की सूबेदारी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से 26 लाख के बदले में ले ली। वहीं दीवानी के माध्यम से वह अब जहाँ करों की सीधी वसूली कर रही थी, वही निजामत का अधिकार समझ नवाब को दे दिया गया, जिसको जिस पे उसी को निजाम बनना था जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार दीवानी और निजाम, इस प्रकार अंग्रेजों के पास राजस्व जहाँ प्रत्यक्ष आ गया, वहीं निजामत पर अप्रत्यक्ष रूप से राइट हो गया। बाकी प्रशासन की सारी जिम्मेदारी व उससे होने वाली बदनामी नवाब की थी। इसके चलते अब कोई भी किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं था, जिससे जनता के शोषण में अत्यधिक वृद्धि हुई और अंततः 1772 में द्वेष शासन को वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया। इस प्रकार भारत का एक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा व सबसे समृद्ध राज्य बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः प्रभुत्व हो गया। धन्यवाद।